यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 2D बोर्ड है, और ये 2D बोर्ड में भी हल्का 3D यहाँ पे डबल एक्रेलिक लगा हुआ है। यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं हल्का सा क्रिस्टल लुक आ रहा होगा, और फ्रंट में रेड एक्रेलिक लगा हुआ है। तो सेम इसी तरीके से साइनेज हम यहाँ पे बना करके कंप्लीट करके आपको दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे लाइट कैसे फिट करते हैं। जैसे उधर आप देख सकते हैं लाइटिंग, वहाँ पर फिटिंग हो रहा है, तो सारा चीज़ अभी डिटेल में बताएंगे। क्लियर एक्रेलिक आप ये देख सकते हैं, इसका पेपर जब हटाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये क्लियर एक्रेलिक है, ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक है, ये हमारा रेड कलर का एक्रेलिक है, और ये ACP है जो CNC से कटिंग किया हुआ है। तो पहले हम ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक को चिपकाएंगे, उसके बाद में इसे चिपकाएंगे, फिर इसे लाइट करेंगे, इसका फ्रेमिंग वगैरह सारा चीज करके भी आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से प्लास्टिक को हटा लेते हैं, इसका लेमिनेशन को हटा लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हटा लेंगे, और यहाँ पे हल्का हल्का बाबरी रह जाता है, इस बाबरी को भी अच्छे तरीके से ब्लेड से हल्का हल्का इस तरीके से साफ कर लेंगे, तो टेस्टिंग हमारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। और बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं ये मटेरियल कहाँ मिलता है, ये ACP कहाँ मिलता है, बॉन्ड कहाँ मिलता है। तो जिस वीडियो में हम जिस मटेरियल के बारे में बताते हैं उसी वीडियो में हम नंबर भी डाल देते हैं, लेकिन लोग करते क्या, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और वापस से हमारे नंबर पर कॉल करते हैं या फिर हमें मैसेज करते हैं कि उसका नंबर दीजिए, जबकि उसी वीडियो में नंबर डाला हुआ रहता। तो ऐसा मत कीजिएगा, प्लीज़ पूरा वीडियो देखा कीजिएगा, उसके बाद अगर नंबर आपको नहीं मिलता तभी कॉल किया कीजिएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने एक्रेलिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग किया है ट्रांसपेरेंट वाले को, तो चारों तरफ हम इसे मिला लेंगे, और मिलाने के बाद में हम ले लेते हैं बॉन्ड। तो यहाँ पे हम पेस्टिंग के लिए जो बॉन्ड यूज करेंगे पॉलीफिक्स का बॉन्ड यूज कर रहे हैं। ये पॉलीफिक्स का SM ग्रेड बॉन्ड है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, बहुत जल्दी पेस्टिंग होता है इससे। नोजल है कि नहीं, नोजल नहीं है, इसमें नोजल भी कंपनी वाले को देना चाहिए, जिससे नोजल लगा करके अच्छी तरीके से हम यहाँ पे बॉन्ड डालेंगे ना, थोड़ा फिनिशिंग होता है, नोजल भी कंपनी वाले को देना चाहिए, लेकिन इसमें नोजल नहीं दिए हैं वो, कोई बात नहीं। इसको हल्का ऐसे टेपर कटिंग कर लेंगे तो हमारा बॉन्ड सही गिरेगा। इस तरीके से हम इसमें अब बॉन्ड लगाएंगे चारों तरफ। ये देखिए ये चारों तरफ हम इसे बॉन्ड लगा लेते हैं। ये रहा, तरीके से हम अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे। अब हम इसे भी चारों तरफ से अच्छी तरीके से बॉन्ड डाल करके पेस्ट कर देंगे। तो उसमें जब बॉन्ड डालते हैं तो बॉन्ड में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो यहाँ से मिट्टी घुस करके ना बहुत ख़राब सा दिखने लगता है, अगर बॉन्ड सही से नहीं डालेंगे तो, या फिर अच्छे कंपनी का बॉन्ड आप यूज़ नहीं करेंगे तो। तो चारों तरफ इसमें हमें बॉन्ड डालना है और इसे बॉन्ड डालने के बाद में तुरंत मत उठाइएगा, इसे आधे घंटे के आसपास कम से कम छोड़ दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो कई बार क्या होता है बॉन्ड थोड़ा बहुत कहीं कहीं रहता है और आप इसे खड़ा कर देते हैं तो बॉन्ड नीचे की ओर चला आता है। तो इसे हम छोड़ देंगे आधे घंटे एक घंटे के आसपास छोड़ देंगे, और बहुत ज़्यादा जल्दी है तो एक एक्टिवेटर स्प्रे आता है, आप उसे स्प्रे कर सकते हैं, इसके ऊपर दबा करके रख देते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हम पूरे में लेटर पेस्टिंग करते हैं, पेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं। सकते हैं इतना लेटर हमने पेस्ट कर दिया, बॉन्ड हमारा बचा हुआ है अभी आधा डिब्बी के आसपास। और एक चीज़ और आपको दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉन्ड थोड़ा सा हमने ज़्यादा डाला हुआ है,
सूखने में थोड़ा सा वक्त ले रहा है, तभी हम इसे खड़ा कर देंगे तुरंत। अगर जल्दीबाजी है तो बोन चू जाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम इसमें स्प्रे कर देंगे। अभी आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए स्प्रे का कमाल अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए अभी सूखा हुआ नहीं है, अभी हम इसमें स्प्रे करते हैं। और अभी आप देख सकते हैं स्प्रे करते के साथ में ये पेस्टिंग हो गया, देख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे, बोर्ड उठाने से पहले एक बार सब में हल्का हल्का स्प्रे कर देंगे, और उसके बाद में अभी नीचे पेस्टिंग वेस्टिंग करके दिखाते हैं। और अगर आप इस तरीके का बोर्ड का ऑर्डर देना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर हमें ऑर्डर कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना ऑफिस का या शॉप का गूगल लोकेशन भी डाल देंगे, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारा पूरा साइनेज कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसमें लाइट दे करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए लाइट देने के बाद में कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है इसमें। और यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं जो पेड़ का डिज़ाइन बना हुआ है इसमें, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये। इसका अभी हम पेपर हटाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा इसमें देखने को। ये देखिए ये इस तरीके से दिख रहा है, इसके अंदर में जो क्रिस्टल वाला लुक देख रहे हैं बड़ा ही ज़बरदस्त का लुक आ रहा है। तो अभी हम इसका लेटर हटा करके आपको पेपर हटा करके आपको इसको दिखा दें। पेपर हटाने के बाद में इसका कैसा लुक आता है, तो आप देख सकते हैं लाइट देने के बाद में और पेपर पूरा हटाने के बाद में इसका कितना ज़बरदस्त का लुक आ रहा है। तो ये बोर्ड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो से आपको हेल्प हुआ होगा तो उसके लिए घर कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरीके का साइनेज पूरे झारखंड बिहार में कहीं से बनवाने के लिए हमारे इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। और इसी तरीके का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नए वीडियो के साथ में, जब तक के लिए टेक केयर।